मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ करिश्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, क्लास फोर्थ। हम चैप्टर एट पढ़ रहे थे बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने लेट्स ट्राई फाइव तक कर लिया था। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाया था प्रीवियस क्लास में, आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको समझाती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रीड दिस सेंटेंस। मलाला वांट्स दैट ऑल गर्ल्स शुड गो टू स्कूल। मलाला चाहती है कि सभी लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए। मलाला सब्जेक्ट हो गई और वांट्स इसकी वर्ब हो गई। हर सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगी बच्चों, प्लूरल हो जाएगी। ओके, अब इस देखिए, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन रेड। इस सेंटेंस में जो रेड पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है वो, सब्जेक्ट है। और जो पार्ट ग्रीन है वो क्या है, वर्ब है। वो क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट इज द पर्सन। सब्जेक्ट एक पर्सन होता है, एक जगह हो सकती है, एक वस्तु हो सकता है और एक आइडिया हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। और वर्ब क्या होता है बच्चों, उस सेंटेंस का जो वर्णन होता है, जो पूरी बात उसमें होती है, तो वो क्या होती है, वर्ब होती है। ओके, अब आगे देखिए आप। एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड सुटेबल वर्ब। एवरी सेंटेंस हैज, हर सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस में एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक उसकी सुटेबल वर्ब होती है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर इन नंबर। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, एग्री होने चाहिए। एक दूसरे से क्या होने चाहिए, वन अनदर आने होता है, एक दूसरे से एग्री होने चाहिए। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट इफ, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसी को हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। मीना सिंग्स सो वेल। मीना बहुत अच्छा गाती है। सिंग्स यानी गाती है। मीना सिंगुलर है तो सिंग्स भी सिंगुलर हो गया। मैंने बताया था सिंगुलर में एस आई एस लगता है जबकि प्लूरल में एस आई एस नहीं लगता है। द कार शाइन्स लाइक इट इज़ न्यू। कार ऐसे चमकती है जैसे कि वह नई है। कार सिंगुलर है तो शाइन्स भी सिंगुलर हो गया। शाइन्स यानी चमकना, ये वर्ब हो गई इसमें। द फ्लोवर स्मेल गुड। फ्लोवर की जो स्मेल है, फ्लोवर की जो खुशबू है वो अच्छी है। फ्लोवर्स, फ्लोवर्स प्लूरल हो गया तो स्मेल भी क्या हो गया, स्मेल यानी सुगंध आना, तो ये भी क्या हो गया, ये वर्ब हो गई तो वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। अगर ये सिंगुलर होता तो इसके भी एस या एस लग जाता। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, बच्चे क्या होते हैं, प्लूरल, तो ये टॉक यानी बात करना, बातें करना, तो टॉक क्या हो गया, प्लूरल। अगर बच्चे से, चिल्ड्रन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। द बॉयज़ वॉक टू स्कूल एवरी डे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वॉक यानी चलना, वॉक यानी चलना, ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर इसके एस या एस लगता तब ये सिंगुलर होता। स्टार्स, स्टार्स यानी तारे, प्लूरल हो गए तो प्लूरल के साथ आर आता है। इज एम आर, सिंगुलर होता तो इज आ जाता बट ये प्लूरल है तो आर आ गया। राजन, राजन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज आएगा। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। हर हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और वर्ब प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये समझ आ गया होगा आपको ये टॉपिक। अब हम लेट्स ट्राई सिक्स कर लेते हैं इसका। इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको अंडरलाइन भी करना है और सामने उसमें लिखना भी है। ओके, तो मैं आपको ये करवा देती हूँ लेट्स ट्राई सिक्स। आप देख सकते हैं ए वाला, देखिए, माई इंग्लिश बुक इज़ इन माई बैग। इंग्लिश बुक सिंगल है तो बुक, बुक्स हो जाता। अगर प्लूरल होता तो सिंगुलर क्या है, बुक, सामने एस लिख दिया। मीना, मीना सिंगुलर है, एस कर दीजिए। ओके, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे प्लूरल हो गए तो इसको पी कर दीजिए। द वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन होता है, डब्ल्यू ओ एम ए एन, पर इसमें क्या है, डब्ल्यू ओ एम ई एन,
तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसको भी आप प्लूरल कर दीजिए। रोहन्स, रोहन अकेला ही हो गया, इसको सिंगुलर कर दीजिए। दिख रहा है ना आपको बच्चों, आप देख सकते हैं। द कार, कार ड्राइवर, ड्राइवर अकेला है, द कार ड्राइवर ये पूरा ही सब्जेक्ट है, इसको आप सिंगुलर कर लीजिए। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गए, इसको आप प्लूरल कर दीजिए। माय ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा ही प्लूरल होते हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स में माँ और दादाजी, दादी जी और दादी जी दोनों आते हैं, इसलिए हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ओके बच्चों, ये लेट्स ट्राई 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपको अपनी कोर्स बुक में फिल करना है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, ये आपको अच्छे से रीड करना है। अगली क्लास में मिलते हैं हम लेट्स ट्राई 7 के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।